हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम चैप्टर नंबर नाइन के पार्ट थ्री डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें से हमने इसकी दो सीरीज कंप्लीट कर ली है आर चैप्टर नंबर नाइन इज स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टू पार्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट ब्रीडिंग वी हैव डिस्कसड एनिमल ब्रीडिंग टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट ब्रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग देखो सबसे पहले हम पूछ पता करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है इससे पहले हमने एनिमल ब्रीडिंग में देखा था कि हम एनिमल की ब्रीडिंग क्यों करा रहे थे ताकि हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिले क्वालिटी अच्छी हो हम इसलिए ब्रीडिंग करा रहे थे तो हम प्लांट्स में भी हम सेम पैटर्न हमारा प्लांट्स में भी रहेगा हम प्लांट्स में भी ब्रीडिंग क्यों करा रहे हैं ताकि हमारे पास में जो प्लांट है वो गुड क्वालिटी के हों हमें प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट हमें अच्छा मिले हमें वेजिटेबल्स अच्छी मिले तो इसके लिए हम क्या करें प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करें देखो सबसे पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर चाहे प्लांट्स हो या क्रॉप्स हो इससे रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन चली थी दैट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है फूड प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सके बाहर की कंट्री में तो जो स्टार्ट किया था दैट वॉज एम एस स्वामीनाथन उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन ही ही इज़ फादर ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग को जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो हम अभी तक जो चलाते हुए आ रहे हैं उस तरह की जो फार्मिंग होती है वो एक लिमिटेड बायोमास ही हमें या फूड का प्रोडक्शन हमें लिमिटेड देता है तो हमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेटर मैनेजमेंट होना बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो इंक्रीज़ हो एरिया में कि हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्डिंग अच्छी हो क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लगा सकें तो इसके लिए हमने क्या किया इसको एक्सटेंड करना शुरू किया इसको बढ़ाना शुरू दिया तो उसको बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इंक्रीज यील्ड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट जो प्लांट को ऐसे टेक्नोलॉजी है जो उसको इंक्रीज करते यील्ड का हु इन इंडिया हैज नॉट हर्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन ऐसा है जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता हो नहीं सुना हो जिसने तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी इन वीट राइस मेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका क्या काम था कि वो इस तरह की प्रोडक्टिविटी हमें दे कि प्लांट्स को में डिजीज भी ना हो हमें डिजीज फ्री प्लांट्स मिले और वो टाइम से पहले वो फिल्ट ना हो तो दैट इज वीट राइस एंड मेज वट इज प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पज फुल ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टिवेशन गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट ठीक है तो इसी को क्या बोला गया इसी को बोला गया प्लांट ब्रीडिंग जिसमें हमें डिज़ायर्ड हमारे जो हम जैसा हम चाहते हैं वैसे हमें प्लांट्स दे हमें बेटर प्रोडक्शन दे बेटर यील्ड हो और डिजीज रेसिस्टेंट हो प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन कौन सी है्यूमानव की जो सिविलाइजेशन है जो हम सोशल में पढ़ते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो प्लांट ब्रीडिंग है उनकी डेट नाइन थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड ईयर है वो है जब से लोगों ने क्या करा सिविलाइजेशन जिसमें एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन में अब लेकिन आज के टाइम में जो क्रॉप है उनका रिजल्ट जो है डोमेस्टिकेशन एंड एन टाइम में क्या करते थे अपने घर के लिए ही रखते थे लेकिन आजकल जो है क्रॉप्स है वो किसके लिए है डोमेस्टिकेटेड वैरायटी की तो हैं लेकिन साथ में हम क्या करते हैं इसका प्योर लाइन हाइब्रिडाइजन भी करते हैं क्रॉसिंग भी कराते हैं जो हमने मैंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था पहले तो क्या था कि घर पे जो अपने उगाए जो अपने मतलब अपने आप अपने मेथड से खेती की वो डोमेस्टिकेशन वैरायटी होगी लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं बेटर यील्ड के लिए हम अच्छी क्रॉप का यूज़ करते हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो तो आर्टिफिशियल सेलेक्शन करते हैं हम प्लांट्स का उनके डिजायरेबल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हाई यील्ड न्यूट्रिशन और रेजिस्टेंट टू डिजीज हो क्योंकि तो हम इस तरह से करते हैं कि इस तरह के सिलेक्शन uh, करेंगे प्लांट्स का कि जिसमें जैसे हमने मैंडल ने किया था पी प्लांट के ऊपर उसमें कुछ सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे उन्होंने ताकि बेटर प्रोडक्शन हो तो इसी तरह से क्रॉप का भी जो है प्योर लाइन फॉलो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो लेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जो है प्लांट्स लेंगे फिर उनके बाद उनके ट्रेड्स देखेंगे किस तरह से न्यूट्रिशन उनको दिया जा रहा है और कौन कौन से डिजीज से वो फ्री हैं तो ये जेनेटिक्स मालिकुलर बायोलॉजी में भी हम पढ़ चुके हैं और टिश्यू कल्चर प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंग बींग कैरिड आउट बाय यूजिंग मालिकुलर जेनेटिक टूल्स ठीक है अब हम कैसे करेंगे जेनेटिक टूल्स के थ्रू करेंगे इफ़ वी आर अब हमें क्या करना है जो ब्रीडर हमें लेना है जैसे क्रॉप प्लांट है तो फर्स्ट वी वुड हैव लिस्ट बी इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी पहले हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी क्रॉप है जो बेटर क्वालिटी हमें दे सके और जिसका आज के टाइम में क्या है uh, सबसे ज्यादा पूछी भी जा रही है वो इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस सैलिनिटी एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्रॉट यहाँ पर भी वो क्या हो सके उग सके पैथोजेंस ना आए मतलब उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे जैसे वायरस है फंजाई है बैक्टीरिया इनकी वजह से कोई डिजीज ना लगे और वो पेस्ट इंसेक्ट पैक्ट्स वुड भी इन आवर लिस्ट टू तो हमें क्या इस तरह के इंसेक्ट पैक्स भी हमें क्या करने हैं सेलेक्ट करने हैं तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है एक सिस्टेमेटिक वे में कैरी किया गया कमर्शियल कंपनीज ने भी इसको स्टार्ट किया सबसे पहले उन्होंने किया कलेक्टिंग ऑफ वेरिएबिलिटी सबसे पहले उन्होंने वेरिएबल मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोई भी उन्होंने उठा ली क्रॉप्स ठीक है फिर उनके जीन्स वगैरह को कलेक्ट करना शुरू किया उनके कल्टिवेटेड किस तरह से ये है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन कौन सी इनके अंदर जीन्स है कौन कौन सी पॉपुलेशन है तो इनके बारे में उन्होंने पहले करना शुरू किया फिर लेकिन उसके बाद में इन सारे प्लांट्स को जब अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स को रखा गया फिर उसमें से उस कलेक्शन में से जो है पर्टिकुलर प्लांट्स या सीड्स क्या किए गए डाइवर्स अलील्स फॉर ऑल अल जीन्स इन अ क्रो, गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जम प्लाज तो फिर उसमें से जो अच्छा था जो जीन्स जो अच्छे थे वो क्या करे कलेक्ट कर लिए गए उसको बोला गया जम ठीक है सारे कलेक्शन के जो प्लांट्स हैं वो इकट्ठे करने के बाद उसमें से अच्छे अच्छे जींस को निकाला गया और क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस किया गया दैट वॉज अ जर्म प्लाज्म कलेक्शन अब उसके बाद में सलेक्शन हो गया पेरेंट्स का इवेल्यूशन करेंगे अब क्या करेंगे जर्म प्लास्ट जो है आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से अंदर कौन किसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स है कौन से प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस यूज़ की जा सकती है तो इसको बोला गया हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर सलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्योर लाइन आर क्रिएटेड वेयर डिजायरेबल एंड पॉसिबल प्योर लाइन वाले तभी लिए गए जब वो जरूरत है हमें क्रॉस हाइब्रिडेशन कराई गई उनके पेरेंट्स सेलेक्ट किए गए जैसे हमने पढ़ा था एनिम एनिमल ब्रीडिंग के अंदर सुपीरियर मेल और सुपेरियर फीमेल तो इसी तरह से जो डिजायर्ड करेक्टरस्टिक्स वाले हैं उन दो प्लांट्स को बैट हाई जिसमें हाई प्रोटीन क्वालिटी हो वन पेरेंट और जो दूसरे के साथ में ऐसा जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट वाले अनदर पेरेंट के साथ में क्रॉस हाइब्रिडेशन करा दी गई जिससे जो है बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिले जिसको हम चैप्टर टू में भी, भी पहले डिस्कस कर चुके हैं फिर उसके बाद टेस्ट किया गया इनके डीएनए वीएनए की जो है जो जीन्स है इनको रिकम्बिनेशन किया गया ठीक है उनके सुपीरियर रिकम्बिनेट्स कि किस तरह से हमने सेलेक्ट किए थे जो हमने इनकी प्रोजन आई है जो इनकी ब्रीडिंग है वो सही आई है नहीं है डिजायर्ड करेक्टर आई है या नहीं है तो वो इस वाली टेस्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारी थ्योरी है टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियल अगर वो सब कुछ सारे टेस्टिंग में सही निकले तो उनको कमर्शलाइजेशन उनको कमर्शियल कर दिया गया फिर भाई इसी तरह की जो है प्लांट ब्रीडिंग जो है की जाएगी ठीक है दीज आर सेल्फ पॉलीनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन टिल दे रीच टू द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब जब तक ये करेगी जब तक ये होमोजाइगोसिटी नहीं हो सकते वहां तक नहीं पहुंचाए होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या बिल्कुल अपियरेंस में जो सेम हो तो हमें करना क्या था सुपीरियर

सिक्सटी टू परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंज फेसिंग द कंट्री वॉज दैट ऑफ द प्रोड्यूसिंग इन अ फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ठीक है ये हमारे लिए क्या है मेन चैलेंज है आज के टाइम में और बेटर टेक्निक के साथ अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन हाइब्रिड जो है क्रॉप्स कौन कौन सी है अब इनके बारे में हमें ध्यान रखना है कुछ इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स हैं मेज वीट और गार्डन पीस हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेज वीट गार्डन पीस राइस तो इनमें से हमें से हमें जो है विटामिन ए वाला गोल्डन राइस भी हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है तो ये हमारी कौन सी हाइब्रिड क्रॉप्स है अब देखो एंड राइस ड्यूरिंग द पीरियडी और टू थाउजेंड के बीच में जो वीट का प्रोडक्शन कितना था 11 मिलियन से 75 मिलियन टन हो गया था लेकिन जो चावल है उसका 35 से 89.5 मिलियन टन हो गया था क्यों क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉ वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइस इसके कारण और यहाँ पर जो नोबल लिटरेट नॉर्मन ई बोर्लॉग जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको में उन्होंने क्या किया था सेमिड्राफ्ट वीट डेवलप किए थे ठीक है ई बॉर्ॉग ने अब 1963 में सेवरल वेलाइट वेराइटीज़ के जैसे कि सोनालिका और कल्याण सोना ये क्या है अब ये क्या है हमारे वीट है तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ वीट का नाम बताओ तो कौन कौन से सोनालिका और कल्याण सोना ये सारे क्या है वीट है और देखो राइस का सेमी डार्क राइस वेरायटी है आई आर एट इंटरनेशनल राइस आर आई से बनाया गया फिलीपींस में है ताइचुंग नेटिंग वन ताइवान में है तो ये हमारे किसके हैं ये राइस की वेरायटी है लेकिन जो सेमी डार्क वेराइटीज जो हमारी इंडिया में वो कौन सी जया और रत्ना तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमसे देखो पूछ लिया जाएगा कि जो मैक् इसका सेंटर कहाँ पर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज का कहाँ पर है तो मैक्सिको में है ठीक है और आर आर आई फिलीपींस में है ताइचोंग नेटिव वन जो वाला राइस है ये हमें ताइवान में मिला है द डरेवेटिव वर इंट्रोड्यूस इन 1966 में बताया गया था ये हमें इंट्रोड्यूस किए गए थे और इंडिया के हैं जया और रत्ना तो ये याद रखना है हमें, हमें नाम शुगर केन सुगर केन देखो सैक्रम बैरीबेरी वॉज ओरिजनली ग्रॉन इन नॉर्थ इंडिया में में उगाया जाता है लेकिन इसकी जो पुअर शुगर कंटेंट है और यील्ड भी अच्छी नहीं है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है कौन सा है सैक्रम बैरीबेरी ट्रॉपिकल के ग्रॉन इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में कौन सा है सेक्रम ऑफिशिनेरियम देखो याद रखना है सैक्रम ऑफिशनेरियम और बारी बारी बारबेरी बारबेरी नॉर्थ इंडिया में ऑफिशिनेरियम साउथ में साउथ वाला ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है उसका स्टेम जो है थिक होता है हाई शुगर कंटेंट भी होता है बट डिन नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया में लेकिन अच्छे से नहीं ग्रो कर पाता इसकी टू स्पीसीज जो है वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट शुगर किन ठीक है दो स्पीसी को क्रॉस करा के जो है अच्छा शुगर बनाया गया है डिजायर्ड क्वालिटी का हाई यील्ड और थिक स्टेम वाला और हाई शुगर एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर इन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया ठीक है तो ब्रीडिंग करा के क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में नहीं ग्रो कर पा रहा था तो ब्रीड करा के नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया गया है जो मिलेट्स हैं हाइब्रिड मेज जवार और बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया ठीक है हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैराइटीज रेसिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस तो ये सारे जो हैं वाटर स्ट्रेस वगैरह ये जितनी भी बीमारियाँ वगैरह इनमें होती थी, थी उन सबसे इनको फ्री कर दिया गया है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस किस तरह से है स्पेशली जो फंगल बैक्टेरिया और वायरल पैथोजेंस जो है इफेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप को ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में तो क्रॉप जो है लॉस हो जाती है और केवल 20 से 30 परसेंट ही हमारे पास में मिल पाती है टोटल तो, हमारे टोटल की जैसे हम देखते हैं ना अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है तो हमारी क्रॉप खत्म हो खराब हो जाती है बिल्कुल ही बारिश नहीं आती तब भी क्रॉप खराब हो जाती है तो ये ओनली हमारा ट्वेंटी से थर्टी परसेंट तो हमारा किसके डिजीज़ के इनके वजह से हमें मिल पाती है यील्ड तो ऐसे सिचुएशन में है हम ब्रीडिंग करा देते हैं और कल्टीवेटर्स जो रेजिस्टेंट डिजीज है को इस तरह से हम ब्रीड करा देंगे कि जो प्लांट है वो कौन सा होगा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स के साथ में ब्रीडिंग करा देंगे कि इसके अंदर ये पैथोजेंस आ ही नहीं सके और बेटर इन सो फूड प्रोडक्शन का और ये डिपेंडेंस फंगी और बैक्टोरिया पे डिपेंड ना करे और इनको खत्म कर दे तो रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज ठीक है डिजीज़ कॉजिंग के लिए भी है ये इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी है होस्ट प्लांट का ब्रीडिंग कराने से पहले हमें जो है पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये किस क्या फ़ायदा करता है तो हम ब्रीडिंग से पहले इनका ट्रांसमिशन मोड और ये सब कुछ हमें उनके बेनिफिट्स का पता होना चाहिए हम ऐसे ही नहीं कि किसी प्लांट्स के लिए किसी के साथ में ब्रीडिंग करा दी तो जैसे किसी के अंदर है ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी डिजीज से फंगाई वाली फंजाई वाली डिजीज नहीं होनी चाहिए बैक्टीरिया वाली नहीं होनी चाहिए तो कुछ ऐसे डिजीज है जो किससे होते हैं फंजाई से कौन सी है रस्ट तो यहां से क्वेश्चन आता है हमारा देखो ये हाई ये वाला इंपॉर्टेंट है एक सेकेंड इसको हम रेड से हाईलाइट कर लेते हैं इम्पोर्टेंट वाले को डिजीज कोज बाय फंजाई फंजाई से कौन सी होती है रस्ट कौन कौन सी ब्राउन रस्ट किस में लगती है गेहूं में गन रेड रोट शुगर केन में लेट ब्लाइट पोटैटो में और बैक्टीरिया से है अब देखो ये सारी रस्ट किससे लग रही थी फंजाई से लग रही थी अब बैक्टीरिया वाले डिजीज कौन सी है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफेयर्स और वायरस से टोबैको मोजायक और टर्निप मोजायक ये वाली जो हमारी लाइन है ये तीनों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस वाले के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिजीज ना हो ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स

ब्रीडिंग और इसमें कौन कौन से दो स्टेप्स लिए गए हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन हम हाईलाइट करते जाएंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है द वेरियस सिक्वेंस स्टेप्स आर कुछ और स्टेप्स भी हैं स्क्रीनिंग जम्पलास्ट जम्प्लास्ट वाला अभी हमने देखा था कि जहाँ पर हमने डिफरेंट वेरिएबल वराइटी के हमने प्लांट्स ले लिए थे और उनके अलीज जो है जीन्स के वो सारे कलेक्ट करके रख लिए थे फोर रेसिस्टेंट रेसिस्टेंस सोर्सेज हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट है सलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड्स एंड टेस्टिंग एंड रिलीज़ ऑफ़ न्यू वेराइटीज़ ठीक है कुछ क्रॉप्स हैं देखो ये टेबल हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बैक्टीरिया फंजाई और इन वायरल वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे वीट वीट की वैरायटी है हिमगिरी कहाँ पाई जाती है ये हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे हम इस तरह से हिमगिरी है लीफ और स्ट्रिप रस्ट तो देखो हिमाचल प्रदेश से हिमगिरी और कौन सी इसमें डिजीज होते हैं हिम हिमगिरी हिमाचल में क्या होते हैं हिल होते हैं तो हिल बंट लीफ एंड स्टाइप रस्ट ब्रासिका ब्रासिका जो है इसको हम करण राई या पूसा स्वर्णिम ये इसमें अंदर वाइट रस्ट होती है कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर का नाम शुभरा नोवल, ठीक है ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट काउपी पूषा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट चिल्ली सदाबहार चिल्ली मोजाइक वायरस टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल ये वाली फिगर जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिगर मतलब टेबल तो इस तरह की जो डिजीज है वो प्लांट्स के अंदर हो सकती है तो इन डिजीज को रेसिस्ट करने के लिए हम क्या कराते हैं प्लांट की ब्रीडिंग कराते हैं तो इस वाले टॉपिक में हमने यही पढ़ा था अब देखो इसमें जो अदर ब्रीडिंग मैथड्स हैं यूज हुए सिलेक्शन के लिए सोमा क्लोनल वेरिएंट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है ये वाला सोमा क्लोनल मतलब जैसे क्लॉन बनाना अब पढ़ते हैं म्यूटेशन म्यूटेशन जो वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आ जा सके जैसे सडनली वो क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं इन टू द बेस सिक्वेंस विद जीन के साथ में और न्यू करेक्टर और या ट्रेड जो है नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियल थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लाट दैट हैव डिजायरेबल करेक्टर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग वो किस किस के अंदर आई है हमारा मोस्टली एग्जाम्पल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूंगबीन में कौन से डिजीज थी येलो मोजाइक को रेजिस्ट कर दिया गया है वायरस से है पाउडरी मिलड्यू वर इंट्रोड्यूस बाय म्यूटेशन ठीक है ये दोनों के दोनों हमें याद रखनी है जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से हुई है और भी काफ़ी वाइल्ड रिलेटिव हैं जो डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज से बिलोंग करते हैं इन प्लांट्स की जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इनके कैरेक्टर्स तो इसलिए देर इज नो नीड टू इंटर द रेजिस्टेंट जीन्स इन टू द हाई गिल्डिंग कल्टिवेटेड वराइट रेसिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी ठीक है भिंडी में भी हो गया है जिसको एबिलोमोस्कस एक्ट्स भी हम बोलते हैं वर्स ट्रांसफर्ड वर फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्टेड इन न्यू वराइटी अब नई वरायटी है जिसको क्या बोला है आस्कुलेट्स एस, कोल्ड परभानी क्रांति ऑल द अब एग्जाम्पल्स इनवॉल्व सोर्स ऑफ रेसिस्टेंट जीन्स डेट आर इन द सेम क्रॉप स्पीसीज ये सारे सेम क्रॉप स्पीसीस के हैं ए थे और रिलटेड से भी थे और मतलब ये सारा क्या था जीन्स का जो है टारगेट रखा गया था कि जो हमारा जो सोर्स ऑफ प्लांट हो वो अच्छा हो और हमारा सलेक्शन भी अच्छा हो अब इंसेक्ट और पेस्ट ये वाला हम करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में ये अभी तो हमारा चैप्टर बचा है चलो ये वाला तो हम खत्म कर लेते हैं ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है ब्रासिका रेपसीड मस्टर्ड में है वैरायटी है पूसा गौर और एफिड्स इंसेक्ट पेस्ट कौन सा होता है इनके लिए एफिड्स होता है फ्लैट बीन में पूसा सेम टू सेम थ्री देखो बीन बीन को हम क्या बोलते हैं सेम की फली बोलते हैं ना तो सेम टू सेम थ्री जैसीड्स एफीड्स एंड फ्रूट बोरर, ओकरा मतलब भिंडी स्वामिनी पूसा ए फोर शूट एंड फ्रूट बोरर ठीक है शूट और फ्रूट बोरर तो यहाँ से हमारा यही वाला इम्पोर्टेंट था अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं